हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। तो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन कि समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। 1% भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है कहीं से, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल बंद कर दी गई। डिवाइन ने ही बंद करवा दी है कि इतना पेन, इतना पेन। अब समझ मतलब समझ सकते हैं कि डार्क ऑफ द नाइट वाला जो फेस चल रहा है ना इस टाइम उनके साथ, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव हो चुके थे लेकिन अभी भी उन्होंने जैसे ना कि एज अ जर्नी एक्सेप्ट नहीं किया था, एज ए लव एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो आप बोलती थी स्पिरिचुअलिटी है, ये है, हमें हम एक ही सोल हैं, जो भी आप बातें करती थी, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उन्हें जो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गया है, कुछ चीज़ें समझ आ रही है, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो खुद भी शॉक्ड हैं कि आखिर वो इतने टाइम तक उनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आई कि मेरा पर्सन मुझे इतना कुछ बता रहा है, मैं इतना नेगेटिव, और आज के टाइम में भी अगर मैं चाह रहा हूँ पॉजिटिव हो जाए तो वो पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मेरा पर्सन चलो ठीक है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो पर्सन मेरे पास क्यों नहीं आ पा रहा है। अब एक माइंड में, दिमाग में ये आ रहा है कि ठीक है, मैं अगर नेगेटिव हूँ तो मेरा पर्सन तो पॉजिटिव था, मेरा पर्सन को क्या हुआ अचानक से, जो डिटैचमेंट जो उनको फील हो रही है ना, और वो जिस पेन से गुजर रहे हैं, वाकई में शॉकिंग है कि डिवाइन ने जिनको डंडा मारा है ना, तो वो देखना है कि अब पता लग रहा है कि DFP कोई ईजी नहीं पहुंची अपने जो उन्होंने अभी अचीवमेंट किए हैं, या एक 5D लेवल या 6D लेवल किसी भी डिमेंशन में आई है, तो वो बिना मेहनत के नहीं आई है। और इनकी मेहनत पे आप पानी फेरते थे, कितना आपके पीछे उन्होंने स्ट्रगल किया, इतना पीछे आपके गए, लेकिन अब जो डिवाइन आपके साथ कर रहा है इन DM के साथ, या DF अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेगा, अब जो स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ से स्टक, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या ये पेन क्यों हो रहा है। एक्चुअल में अब बॉडी सरफेस में जो पेन हो रहा है वो भी नहीं फील होने लग गया है, पहले होता था समझ नहीं आता था, लेकिन अब जो डिवाइन ने जो इनके जो नाइट सोल में जो पेन होता है ना वो सरफेस कर दिया है। मतलब कुछ भी होता है तो आपकी मिसिंग एनर्जी जो उनको जो हार्ट में सुइयां चुभाती है, या उनको थैक्र प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से, क्योंकि वो तो बिजनेस करते हैं, बाहर जाते जाते हैं, तो उनके अब जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि अचानक से मेरी बॉडी में ये क्या होने लग जाता है। अब वो चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आपको तो बहुत ही लविंग वे से देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, मतलब एनर्जी उनकी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन जो उनकी जो पेंस हैं बहुत तकलीफ दे रहे हैं। उनको क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ की, वो चाहते हैं मेरी लाइफ में ना क्लियरिटी आ जाए, मुझे पता लग जाए कि एक्चुअल में ये सब वाकई मेरे DF ने पेन बर्दाश्त किया था कभी। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वाकई में जो आपने पेन किया आज मुझे हो रहा है, तो वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, और कभी आपके साथ मिलेंगे या कभी ऐसी कभी बात हुई ना तो आपके पर्सन आपसे ज़रूर बात करेंगे, अगर वो अवेकन होके प्रॉपर वे से आपके पास आके ज़रूर बताएंगे कि मैंने कैसे फेस किया, मैं आपकी कदर नहीं करता था, मुझे पता लगा जब मेरे ऊपर ये चीज़ें आई तो आज मुझे पता लग रहा है। आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं वो कि आपके बिना तो वैसे ही अधूरे हैं, अब पता लग रहा है उनको कि वाकई में मैं तो उनके बिना अधूरा हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं किसी को बोलता था कि उसकी वैल्यू नहीं, एक्चुअल में मेरी खुद की वैल्यू नहीं है, मेरी नज़रों में मेरी वैल्यू नहीं है। तो उनको ये भी पता लगे कि हमें सेल्फ लव में आना है तभी हम अपने DF के पास जा सकते हैं, तो खुद को चेंज करने की कोशिश, और 3D पार्टी से बिल्कुल वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं कि अब मेरा मन नहीं है 3D पार्टी के साथ सर्वाइव करने का, वो परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से, हर एक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, जो भी इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, 3rd पार्टी ज़रूरी नहीं कोई लड़की हो, फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब, कैरियर, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसी बन गई हो जो आपके साथ लेन देन हो सकता है पैसों का, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, जिस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो अभी तक की यही अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगी, रेजोनेट हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।